ग्रेटर नोएडा की चाइनीज मोबाइल निर्माता कंपनी ओप्पो के निर्माणाधीन परिसर में कर्मचारियों ने आज हड़ताल कर दी है। सैकड़ों कर्मचारी कंपनी परिसर में धरना देकर बैठे हुए हैं। इस जानकारी मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनु पंडित और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे हैं। कर्मचारियों से बात की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी अमानवीय व्यवहार कर रही है, श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ पर सैलरी नहीं मिल रहा है, सब हो रहा हड़ताल करके बैठा हुआ है। दो दो महीना तीन तीन महीना का सैलरी बाकी है सर। कब से मांग रहे हो सैलरी? सैलरी आज पाँच छः दिन से मांग रहा हूँ। और पूछाऊ क्या कहता है? पूछाओ बोलता है अगर देगा सिया वाला सियासी वाला देंगे तो उसको मैं दूंगा। एक नया डेट दे देता है, जैसे अब कब जाएंगे तो बोलेगा कि कल मिलना है, सैटरडे को आएगा तो बोलेगा संडे को मिलना है, फिर मंडे को, और फिर जब मंडे जाएंगे तो बोलेगा एक हफ्ते में दे देंगे, फिर बोलेगा एक दो हफ्ते में देंगे। जब हम बोलते हैं कि ये चीज़ लिख के दे दो तो कहेगा लिख के नहीं देंगे, एक दो हफ्ते में दे देंगे। क्या मतलब है एक दो हफ्ते? मतलब 15 दिन ऐसे निकल जाएगा। तीन महीने से सैलरी नहीं मिली है, हमारे घर के लोग बीमार हैं, उन्हें पैसा नहीं है देने के लिए, यहाँ हम लोग खाने के लिए मर रहे हैं, एक रुपये हमारे पास नहीं है। इससे पहले भी सैलरी नहीं मिली है या पहली बार नहीं मिली है? नहीं, हमेशा इसका यही नौटंकी रहता है। 10 महीना 2 महीने लेट देता है सैलरी।